अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे समोसा एंड स्प्रिंग रोल शीट्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, ऑयल लेंगे हम हसबे ज़रूरत और नॉर्मल पानी लेंगे हम इसे गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो आटे में हम ये नमक ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे गूंदकर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। नॉर्मल रोटी का जो हम आटा गूंदते हैं बस उससे थोड़ा सा टाइट डो इसका हमें रखना है। आटा मैंने गूंद लिया है, इसे अब हम रख देंगे 5 मिनट के लिए ढककर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट बाद देखिए आटा हमारा सेट हो गया है। तो इसे हम तोड़कर इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो देखिए इतनी साइज़ के पेड़े हमें इसके बना लेने हैं। तो एक पेड़ा हमारा बन गया है तो बाकी के भी हम बना लेंगे। तो देखिए इसके मैंने 10 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। तो देखिए ये साइज़ की हमें इसकी रोटी बनानी है। तो ये एक रोटी हमारी बन गई है, अब हम बाकी की भी बना लेंगे। देखिए इसकी मैंने सारी रोटियां बेल कर रख ली है। तो ये जो रोटी है इस पर हम ऑयल लगाएंगे। तो मैंने ये ब्रश का यूज़ किया है, आप तेल हाथ से भी लगा सकती हैं। इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है, अब हम इस पर सूखा आटा डालेंगे। इसके बाद हम इस पर ये दूसरी रोटी रखेंगे और फिर इस पर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल लगाने के बाद सूखा आटा डालेंगे और तीसरी रोटी हम इस पर रखेंगे। तो इसी तरह से हमें टोटल 5 रोटियां रखनी है और फिर इसे हम 5 रोटी की एक बड़ी रोटी बनाएंगे। तो ये 5वीं रोटी भी मैंने इस पर रख दी है। तो ये 5वीं रोटी पर हमें ऑयल नहीं लगाना है, इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो अब हम इन 5 रोटियों की एक बड़ी रोटी बेलेंगे। तो इसे मैंने बेल लिया है, अब हम इसे तवे पर सेकेंगे। तवे को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपने तवा बहुत ज़्यादा गर्म किया तो ये जो शीट्स हैं वो रोटी की तरह पक जाएंगी। तो तवे को हमें हल्का सा गर्म करना है और फिर हम ये शीट उस पर डालकर हाफ कुक करेंगे। तो देखिए ये एक साइड से कुक हो गई है तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से कुक हो गई हैं तो हम इसे निकाल लेंगे तवे से। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसकी शीट्स अलग कर लेंगे। अब ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो हम इसकी शीट अलग कर लेंगे। तो बहुत ही आराम से और एहतियात के साथ आपको इसकी शीट अलग करनी है और ध्यान रहे ये बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी फट गई तो जब आप इसके समोसे बनाएंगे तो ऑयल समोसों के अंदर चला जाएगा और समोसे आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बहुत एहतियात से आपको इसे अलग करना है। तो नॉर्मल जो घर में हम समोसे बनाते हैं उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि उसका आटा कच्चा होता है। और जब इस तरह से समोसे की पट्टी को हम हाफ कुक कर लेते हैं तो उसे हम 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी शीट्स मैंने अलग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आधे शीट्स की हम समोसे की कटिंग करेंगे और आधे शीट्स की हम स्प्रिंग रोल की कटिंग करेंगे। तो पहले हम स्प्रिंग रोल की शीट्स तैयार करेंगे। तो स्प्रिंग रोल की कटिंग करने के लिए आपको इसकी एक साइड को इस तरह से रखना है और दूसरी साइड को उठाकर इसके ऊपर रखना है और फिर इस तरह से हम इसकी दोनों साइड काट लेंगे। तो देखिए इसकी साइड मैंने काट ली है और ये जो दोनों साइड की पट्टियाँ निकली है इसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम रगड़ा या फिर पापड़ी चाट में फ्राई करके यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसे खोल के अब हम इसकी दूसरी साइड को भी इस तरह से काट लेंगे।
तो देखिए इसकी दूसरी साइड हमने काट ली है और ये स्प्रिंग रोल की शीट्स हमारी तैयार हो गई है। और ये वाली पट्टी से हम मिनी समोसे बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल शीट हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम रख देंगे साइड में और हम समोसे की शीट काट लेंगे। तो समोसे की शीट बनाने के लिए इसे हम सेंटर से काटेंगे। और फिर हम इस साइड से इसे काटेंगे। मैं इसे चाकू से काट रही हूँ, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। तो ये समोसे की शीट भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इससे कोई भी समोसे बना सकते हैं, चिकन समोसे या फिर वेजिटेबल समोसे या फिर मीठे समोसे, तो आपकी जो मर्ज़ी हो वो समोसे आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो तैयार है हमारे समोसा एंड स्प्रिंग रोल शीट्स। आप इसे बनाकर 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख लें, आपको बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आपका समोसा खाने को मन होगा, आपको बस इसकी फीलिंग तैयार करनी है और इसे फ्राई करके इसे इंजॉय करना है। तो आप भी इसे बनाकर रख लें और सारा रमज़ान इसे इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।